दो बीएसपी के विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, ये दोनों समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। राम अचल राजभर जो हैं वो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अंबेडकर नगर की रैली जो समाजवादी पार्टी की थी, उसी में ये दोनों विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती की पार्टी के लिए यह झटका, दो विधायक बीएसपी के अब समाजवादी पार्टी में। विशाल और जानकारी के साथ मेरे साथ। विशाल, कितना बड़ा झटका ये बीएसपी के लिए और कितना फायदा अखिलेश के लिए? देखिए विशाल, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर उत्तर प्रदेश की सियासत में दो बड़े ओबीसी चेहरे थे और काफी लंबे समय से, 20 साल से ज्यादा वक्त से मायावती के साथ जुड़े हुए थे। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को मायावती ने 3 जून को बीएसपी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं थी कि किस पार्टी में जाएंगे। लेकिन आज लालजी वर्मा और राम अचल राजभर अपने गृह जनपद अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए हैं। लालजी वर्मा कुर्मी बिरादरी से आते हैं, जबकि राम अचल राजभर राजभर बिरादरी से हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के कुछ क्षेत्रों में इन दोनों नेताओं का प्रभाव है, क्योंकि 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद भी ये दोनों नेता अपनी विधानसभा में चुनाव जीते थे और दोनों ही अंबेडकर नगर जिले से आते हैं। तो मायावती को एक झटका जरूर है और मायावती ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके सपा पर निशाना भी साधा है कि दल बदलुओं से सपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन लालजी वर्मा और राम अचल राजभर, ये दोनों बड़े नेता हैं जो आज सपा में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर अखिलेश यादव की निगाहें इन दिनों हैं और इसीलिए जो ओबीसी नेता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सपा में शामिल कराने की कोशिश इन दिनों अखिलेश यादव कर रहे हैं। विशाल, प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।